गाइस इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है नोसा प्रो ऐप ने। इसको जैसे ही आप लोग डाउनलोड करेंगे आपको 100 रुपये मिल जाएगा। आप इसमें करना क्या है, जैसे कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा है एंड उसको सेलेक्ट कर लेने का, फिर आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के जवाब देने रहेंगे। एंड आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये कौन सा ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है, तो यहाँ पर आपको सुपर पावर का यूज़ करने का भी मौका मिलता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही है। फिर यार आप लोगों को कॉन्टेंट में ज्वाइन होने के लिए मौका मिल जाएगा एंड जल्दी आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। फिर यहाँ पर आप लोगों को लीडर बोर्ड चेक करने को मौका मिलेगा एंड प्राइस भी देखने के लिए मौका मिलेगा। काफी ज्यादा अच्छी एप्लीकेशन है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जल्दी से जाइए डाउनलोड कीजिए एंड 100 रुपए आप लोग को तुरंत मिल जाएगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जल्दी से जाइए डाउनलोड कीजिए एंड डायमंड फ्री में। हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोग का एक नई वीडियो में और एक नया एपिसोड है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप ब्रमुडा मैप में कर सकते हैं। एंड यार ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के काम आने वाला है एंड शायद से यार आप लोग इस टिप्स को जानते हों क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि आप लोग इसको जानते होंगे। एंड जो लोग जानते हैं भाई बहुत सही यार, आप जानते हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है। एंड जो लोग नहीं जानते वो लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया है ये मैं कंटिन्यू रखूं या अभी के लिए मैं रहने दूं। गाइस अब इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ जो पहली हमारी ट्रिक है उसमें आप लोग को बताने वाला हूँ। गाइस जो ये डिब्बा रेड कलर का जो हमें मिलता है जिससे हम खुद को छुपा सकते हैं, लेकिन उतना अच्छे से हम लोग नहीं छुपा सकते। बट आज की इस ट्रिक में आज मैं आप लोग को ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे यार आप अपने आप को एकदम से अच्छे से छुपा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, आप लोग को इस डिब्बे को पहन लेना होगा, फिर एक ख़राब सी जो गाड़ियाँ नहीं होती उसके पास जाना है एंड बैठ जाना है आप लोगों को। एंड आप लोग 95% नहीं दिखोगे किसी को। एग्जाम्पल इस वीडियो में ही है, मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। अभी यार 2 एनिमी आएंगे मेरे बंदे को मार देंगे, जो कि मेरा बंदा उस साइड चला जाता है, ठीक है। एंड मैं फायर करूँगा, वो मेरे को देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अभी आप लोग खुद देखिएगा। एंड ये सबसे अच्छी ट्रिक है गाइस इस वीडियो में, मैं आप लोग को बताऊँ कि ये सबसे अच्छी ट्रिक है। बाय द वे अगर आप अपना रैंक पुश कर रहे हो एंड आप मारे जाते हो, आपकी टीम पूरी मारी जाती है एंड यार आप लोग को छुपने का जगह ढूंढना पड़ता है यार, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपल सा आइए, चाहे फैक्ट्री हो चाहे जहाँ हो, सिंपल से इस डिब्बे को पकड़िए एंड बैठ जाइए यार आराम से। आप खुद ही देख सकते हैं यार एनिमी आ चुके हैं, ये लोग मेरे को देखे बिना ही चले गए हैं, ठीक है। मैं एकदम 100% ऐसा लगता है कि इनविजिबल हो चुका हूँ, ठीक है। तो ये ट्रिक यार मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। ये ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ जब मैं यार रैंक पुश करता हूँ, जब मेरी टीम मारी जाती है। एंड यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कुछ व्हाट द फक मोमेंट टाइप का हुआ मेरे साथ, ठीक है। ये लोग मेरे को देख ही नहीं पाए, ठीक है। तो ये ट्रिक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये ट्रिक आप लोग को पसंद आई है या नहीं पसंद आई है, ठीक है। लेकिन मेरे को लगता है जहाँ तक ये ट्रिक आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरी ट्रिक की ओर, ठीक है। एंड आप लोग बताइएगा यार कि मैं ऐसी वीडियो और लेके आऊँ या रहने दूँ, बट मेरा मन करता है कि मैं और लेके आऊँ। मेरा नेटवर्क पिंग था और इन लोगों ने मेरे को मार दिया। अब ट्रिक नंबर टू अब टिप नंबर यार 2 है जो कि यार आप लोगों को मतलब ये घर आप लोगों ने तो देखा होगा, यहाँ पे यार अधिकतर क्लॉक टावर एंड पीक से जब बंदे आते हैं तो यहाँ पे फाइट होती है 50% यार, तो हर एक गेम में होती रहती है, ठीक है। एंड यहाँ पे ऊपर बंदे भी रहते हैं, बट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊँगा कि बिना रश किए इन घर के ऊपर जो बंदे होते हैं उनको आप कैसे मार सकते हैं। गाइस जब हम कभी रश करते हैं तो यार हम अगर सामने वाले के पास शॉट गन या MP40 है तो यार वो हमारा हेड ले लेता है, या तो अगर लैंडमाइन गेम है तो यार हम लैंडमाइन से कहीं ना कहीं डाउन होते हैं, कहीं ना कहीं मारे जाते हैं। बट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपको इस घर के अंदर घुसना नहीं पड़ेगा एंड आप
एनिमी को मार सकते हैं। आपको यार सामने जो खराब से घर दिख रहे होंगे यहाँ पे आना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से चढ़ने की इस घर पर कोशिश करेंगे तो ये ऐसा नहीं होगा आपके साथ। आप लोगों को सिंपल से ये जो क्या बोलते हैं पेट्रोल पंप जैसा दिख रहा है उस पर यार आप लोग को चढ़ना होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, फास्ट क्या करता हूँ, सही जो सही से दिखाना है वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एंड यहाँ पे यार ये ट्रिक मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है एक टाइप से, क्योंकि यार अगर आप अकेले हो और आपको पूरी स्क्वाड क्लियर करनी है इस पर, तो यार सिंपल सा आइए इस घर पर, एंड यहाँ पे आने के बाद आप इस सामने वाले पेट्रोल पंप वाले घर पर चढ़ जाइए, एंड वहाँ से यार आप लोग बंदे को मार सकते हैं एकदम ईजीली। मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो ये देखिए आप लोग को जंप करना है, ठीक है, एंड यहाँ से यार आप लोग आके मार सकते हैं। वो लोग जानेंगे कि आप वहाँ से रश करोगे एंड यहाँ से आप पीछे आके उनको मार दोगे। तो होप यार ये भी ट्रिक आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सेकेंड थर्ड टिप्स एंड ट्रिक के तरफ। अब गाइस जो हमारी थर्ड टिप है वो कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट ये बहुत ही ज़्यादा आसान है एंड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक है गाइस। जैसे कि अगर बाय द वे अगर आप अकेले बच्चे हो, ठीक है, एंड आप पीक के इस घर में आए हो, तो आप एक काम कीजिए, अपनी लैंड माइन लीजिए एंड जो पीक का सामने वाला डोर होता है वहाँ पर आके चुपके से बैठ के एंड उसको आप लगा दीजिए। एंड यार आप खुद अभी देखिएगा कि जो वो लैंड माइन थी वो किसी को नहीं दिखेगी, ना एनिमी को दिखेगी ना आपको दिखेगी, ठीक है। जब आप कैमरा लगाओगे मतलब अपना एम करोगे देन उसके बाद दिखेगी। अभी देखिए जैसे कि आपने लैंडमाइन लगाई, लैंडमाइन लगाने के बाद यार आप बैठ गए ऊपर एंड बंदा आया डाउन, भाई डाउन, उसको पता ही नहीं चला होगा कि भाई लैंडमाइन यहाँ पे लगी हुई थी। ये ट्रिक आप यहीं पे भी नहीं, आप पोचिनोंग में भी कर सकते हैं, बट पोचिनोंग में मेरे साथ थोड़ा फनी सा मोमेंट गाइज ये रहा पोचिनोंग का सीन। गाइज इस घर में भी आप अपना जो लैंडमाइन है वो इनविजिबल कर सकते हैं। आप लोगों को वही सब ट्रिक फिर से यूज़ करनी रहेगी। जैसे कि क्या करना रहेगा, आपको लैंडमाइन अपनी ले लेनी होगी। लैंडमाइन लेने के बाद आपको सामने वाले डोर पर जाना होगा एंड इसको यहाँ पर रख देना होगा और आपकी जो लैंडमाइन है वो बच जाएगी। बट यहाँ पर पहले से कितने लैंडमाइन लगा रखी थी इसलिए मैं डाउन हो गया एंड मैं आप लोगों को सही चीज़ें नहीं दिखा सका, ठीक है, सही से कि आगे क्या करना था। बट ये एक परफेक्ट चीज़ है लैंडमाइन लगाने का, ये एक सबसे अच्छा तरीका है। आप चुपके से आराम से बैठिए, सामने से कोई रस कर रहा है आपके ऊपर, उसको पता ही नहीं चलेगा कि वहां पे लैंडमाइन है एंड आप बूम से मार दोगे यार उसे, ठीक है। अभी देखिए मैं एक लैंडमाइन फोड़ दूंगा, ठीक है, एंड दूसरी लैंडमाइन मेरी वहीं पे रखी रहेगी। आप वहां पे 3 4 5 6 जितनी लैंडमाइन लगा सकते हैं उतनी लैंडमाइन लगाइए इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। मैं फोड़ के आप लोग को दिखाता हूँ और यहाँ पे ये भी रियलिटी है कि बंदा डाउन होगा, ठीक है, एंड उसको पता ही नहीं चलेगा तो भाई वो डाउन तो होना ही है। अब गाइस जो ये हमारी जो ट्रिक है ये काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए ऑसम एंड खास होने वाली है। गाइस आप लोगों ने देखा ही होगा पोचिनोंग में काफ़ी सारे ऐसे घर हैं जो कि आप लोग को छुपने का जगह देते हैं, बट गाइस होता क्या है कि जब आप अकेले होते हैं एंड आपके सामने एक स्क्वाड होती है तो जब वो घुस के मारती है तो बहुत बुरा हमें मारती है। तो गाइस ये एक घर है जहाँ पर अधिकतर बंदे छुपते हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पर आप लोग एक ऐसी जगह बैठ सकते हैं जहाँ पर आप एक स्क्वाड को अकेले मार सकते हैं। होगा क्या गाइस, आप लोग को इस घर के अंदर चले जाना होगा एंड घर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को नहीं बैठना रहेगा, यहाँ पे सिर्फ आप लोग को लैंडमाइन वगैरह लगा देना है, एकदम लैंडमाइन एकदम से सेट कर देना है। मेरे पास लैंडमाइन नहीं थी, ठीक है। फिर आप यहाँ पे बैक पर आके यहाँ पे खिड़की से नीचे कूद जाइए एंड यहाँ से आप लोग किसी जो भी एनिमी आए उसको आप लोग मार सकते हैं। सबसे पहले तो आप लैंडमाइन से उनको मार सकते हैं, फिर एक काम कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक ग्लू वॉल लगा सकते हैं डोर के पर और अपना जो ग्रेनेड होगा वो काफ़ी सारे ग्रेनेड आप लोग इसके इस घर में फेंक देना, जिससे यार आप एक एनिमी को मार दोगे, मतलब एक स्क्वाड को अकेले मार सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अलग सी ट्रिक है एंड ये आप लोग को देख लीजिएगा, एक ना एक टाइम काम आएगी। अब यहाँ मेरे पीछे से बंदा एक मार रहा था तो अब गाइस जो हमारी फाइनल एंड लास्ट ट्रिक है वो यार काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। आप लोग को ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, ठीक है। गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे घर हैं पोचिनोंग में होते ही हैं एंड ये जो आप लोगों को घर दिख रहा है यहाँ इस घर में हमें रस करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। बट आप लोग को कुछ नहीं करना, यहाँ पर आप लोग एक टायर पर चढ़ जाना है, ठीक है, फिर दूसरे टायर से इस वाले घर पर आना है। इस वाले घर पर आने के बाद आप लोगों को एकदम छुपके से जाना है, बैठ जाना है यहाँ पर, फिर यहाँ से आप लोगों को अंदर का सारा व्यू देखने को मिलेगा एंड आप इस घर में अगर कोई एनिमी होगा तो आप उसको इजीली मार सकते हैं बहुत ही आसानी से एंड यहाँ से आप लोग ग्रेनेड भी फेंक सकते हैं। आप लोगों को कुछ ज़्यादा करना नहीं रहेगा, पहले खड़े हो जाना है, ये मैंने गलत किया था इसलिए नीचे गया था मेरा वो, ठीक है। फिर आपको खड़े रहना है, जैसे ही आप लोग फेंकें देन उसके बाद आप लोग को जंप कर देना है। फिर देख लीजिए घर के अंदर सीधा गया एंड सब लोग को धुआं धुआं मतलब कुछ दिखेगा नहीं एंड आप एकदम से अकेले सबको मार सकते हैं। तो गाइस ये थी कुछ 5 टिप्स एंड ट्रिक। अगर आप लोग को ये ट्रिक पसंद आती हैं तो यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
मैं ऐसी ट्रिक और लाऊंगा। और आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो यार लाइक कीजिए, अगर लाइक कर दिया तो बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को फोड़ दीजिए कुछ इस तरीके से, एंड ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिए, एंड नॉस्टर प्रो ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिए। जल्दी से जाइए एंड डाउनलोड।